अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ नूरीना वकार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइव विद जरविश। तो कभी कभी आप जितना चाहे खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर लें या फिर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर लें कि मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, लेकिन आपके चेहरे के तासरात, आपकी आवाज़ से पता चल ही जाता है कि आप अंदर से दुखी हैं या फिर कोई दुख आपको मिला है, कोई चीज़ आपने खोई है। तो आप आज आपको भी पता चल ही गया होगा मेरे इंट्रो से, मैंने व्लॉग का स्टार्ट जब किया तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज थोड़ी अफसरदा आवाज़ में मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था अपने कैट का, वो मैंने इसलिए अपलोड किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो मेमोरी है ना, ये मैं मेरी लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ रहे। और आपको पता है कि फ़ोन में से चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन यूट्यूब पे जब मेरा ये था कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी तो ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। मैं जब चाहे जिस चाहे चैनल से सर्च करूँ, अगर मेरे पास चैनल ना भी रहे मैं दूसरे चैनल से सर्च करके भी देख सकती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ आपकी ना अटैचमेंट ऐसी हो जाती है कि आप उनको कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकते, या उनके दूर जाने से आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसी तरह मेरा ये कैट है, इसके साथ मेरा कुछ अलग ही अटैचमेंट था। तो अब बात करें कि जैसे आपके कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनके बगैर आप नहीं रह सकते, इसी तरह कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनकी कही हुई बात आप कभी भी टाल नहीं सकते। और तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड हैं, उनके फ्रेंड हैं हमारे, और मैं कहती हूँ कि वो फ्रेंड नहीं है, वो भाइयों से बढ़ के हैं। वो ऐसे ही समझ लें जैसे मेरे हस्बैंड के भाई हैं। तो जब मेरे हस्बैंड को कोई कहीं भी किसी मोड़ पे भी ज़रूरत पड़े तो वो मेरे हस्बैंड के साथ खड़े होते हैं। तो ये, और मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसे ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप अगले से, आजकल के दौर में ऐसे होता है कि आप दूसरों से काम निकलवाते हैं लेकिन खुद किसी के काम नहीं आते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके लिए कोई कहीं भी खड़ा होता है, आपके काम आता है, तो आपको भी वैसे ही उनके साथ होना चाहिए। तो उनको कैट की ज़रूरत थी, उन्होंने कहा कि हमें कैट चाहिए। तो फिर हमने जो है ना वो कैट उनके लिए जो है ना ये वाला माओ भेज दिया। और मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि वो अच्छी तरह से केयर करेंगे, उनके जानने वाले हैं, उनको जो है ना वो कैट भेजा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ना माओ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और जब माओ गया था ना, मैंने उसे कहा, माओ को कहा कि आप अपना ख्याल रखना। और जितनी देर यहाँ पे रहा था मैंने उसे कभी भी दुआ के लिए नहीं कहा। हालांकि कहते हैं कि कैट्स जो होती है ना उनकी दुआ भी कबूल होती है और बददुआ भी, तो अपने लिए दुआ करवानी चाहिए। तो मैंने माओ को कभी भी नहीं कहा था कि मेरे लिए दुआ करो, लेकिन आज मैंने माओ को दुआ करने के लिए कहा और ये भी कहा कि मुझे माफ़ कर देना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माओ ने मेरी बात सुनी होगी। और जो जानवर होते हैं ना, ख़ास तौर पे बिल्लियाँ, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और ये आपकी हर बात को समझते हैं और जल्दी इसीलिए तो आपके साथ अटैच हो जाते हैं और आपकी हर बात को समझते हैं। और माओ भी मेरे साथ, मुझे नहीं पता कि मेरे घर आने से पहले इस कैट का क्या नाम था, लेकिन जब से मेरे घर आया था मैंने इसका नाम माओ रखा था। और मैं जब भी इसको माओ कहकर बुलाती थी ये फ़ौरन से आता था। और इतना ये शरीफ कैट था ना, मैं क्या आपको बताऊँ, वाशरूम भी खुद ही जाता था, मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। अक्सर लोगों को इस चीज़ की टेंशन होती है कि उनकी बिल्लियाँ जो है ना वो गंद डालती हैं, मेरा माओ ऐसा नहीं था और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे पास रहा था। और अल्लाह करे कि जिनके पास अब गया है उनके पास भी ऐसे ही रहे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत चाहत से प्यार से उसको अडॉप्ट किया है। तो जाहिर सी बात है प्यार भी उनको ऐसे ही देंगे और दुआ है कि माओ का भी दिल उनके साथ लग जाए। खैर, आप सब ने कमेंट में मुझे हार्ट ज़रूर भेजना है माओ के लिए और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला माओ को जिधर भी रखे खुश रखे। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।